पानीपत की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। साथ ही कहा कि रखे सावधानी नहीं तो करोड़ों लोगों को होगा इसका नुकसान। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में भी इससे सतर्क रहने को कहा है। जी हां, दरअसल उन्होंने दोनों राज्यों में इस नए वेरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए अंतर राज्य सीमाओं पर आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरतें। जी हां दोस्तों, दरअसल उनका कहना है कि मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर करें और साथ ही सामाजिक व शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें। बता दें कि प्रदेश में अभी मिल रहे कोरोना के नए मामलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाने एम्स और रायपुर मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में एडवांस स्टडी के लिए सैंपल भुवनेश्वर एम्स और अन्य शहरों में भेजे जा रहे हैं। अब तक यहां किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं पाया गया है। सो दोस्तों, सावधानी बरते, सावधान रहे, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोगों की लापरवाही तो लाखों लोगों की बर्बादी। ऐसे में आप सब सावधान रहे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।